आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए ख़त्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के आज़ाद होने के बाद विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया, आज तक 45,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, राहुल गांधी जी उसके दोषी कौन हैं? भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने शुरू की थी, संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साय के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ के गोले से खेलने का नहीं था। 2011 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हम युवा मोर्चा के मैंने अपने साथियों के साथ कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए की, तो पूरी जम्मू कश्मीर को इस तरह से पुलिस से घेर दिया गया, हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हमने लाल चौक पर जब तिरंगा झंडा फहराया तो मारा गया हमारे कार्यकर्ताओं को, जेल में बंद कर दिया गया। उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अनुराग ठाकुर को झंडा नहीं फहराना चाहिए, माहौल खराब होता है। राहुल गांधी जी याद करिए 1953 से लेके 2011 तक क्या हालत थी, और ये कांग्रेस पार्टी के कारण थी। 2014 के बाद हालात कैसे बदले हैं, कश्मीर में शांति अमन आई है, कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों के 2 करोड़ से ज़्यादा जाने का आंकड़ा पार हुआ है। तो ये तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो कदम उठाए जो जम्मू कश्मीर के हित में है। लेकिन आपकी इस यात्रा में भारत जोड़ने वाले नहीं, भारत तोड़ने वाले ज़्यादा दिखे। जगह जगह पर वो लोग इसमें शामिल हुए जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किसी न किसी रूप में किया हो। जवाब आपको ये देना चाहिए कि आखिरकार ऐसी सोच के साथ और ऐसे तोड़ने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, जो देश को बदनाम करते हैं उनके साथ क्या करने वाली है। और राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना भूल गए जिन्होंने अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त किया।